इसको देख करके पता चल ही गया होगा कि मोटर में क्या दिक्कत है। यह मोटर हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आई है। कस्टमर का कहना है बोरवेल में मोटर जाम हो जाती है। इसकी शुरू से टेस्टिंग करेंगे क्योंकि दुकान पर आई है, शायद वाइंडिंग वगैरह में कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, वाइंडिंग टेस्ट कैसे होता है, जले होने की चेकिंग कैसे होती है। सीरीज अभी नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यूटी टेस्टर से इसको चेक करते हैं। एक पॉइंट इसका लाल वाले पर और दूसरा हरे वाले पर लगाए, बल्ब जला। उसी तरह से एक नीले वाले पर, एक पीले वाले पर लगाए, बल्ब जला। और इस तरह से पीले और लाल वाले पर लगाए, बल्ब जला। एक प्रोग इसका लगा रहे हैं हरे वाले पर यानी कि नीले वाले पर, दूसरे को बॉडी पर लगा रहे हैं, बल्ब नहीं जल रहा है, नहीं जलना भी चाहिए। यदि जला होता बल्ब बॉडी पर लगाने पर इस टेस्टर का, तो मोटर जली हो सकती है, बॉडी अर्थ हो सकती है। अब इस मोटर को चलाएंगे। वैसे भी जले होने की कोई दिक्कत इस मोटर में है नहीं, क्योंकि मोटर चल रही है, खड़खड़ खड़खड़ी आवाज़ कर रही, मोटर जाम चल रही, यही दिक्कत है। अब मोटर को चला करके देख लेते हैं, बाइंडिंग टेस्ट कर लिए। इस वीडियो को देखने के कई फायदे आपको मिलेंगे। पहले तो हम बाइंडिंग टेस्ट सीख लिए, इस तरह से जले होने की टेस्टिंग करना है। इसके बाद मोटर को चलाने का कनेक्शन सीख लेंगे। देखिए कैपेसिटर जुड़े हैं, एक लाल और एक पीले वाले पर कंडेंसर जुड़े हैं। मोटर को डायरेक्ट चला करके भी देखेंगे, अब आपके सामने चलाएँगे। अब देखिए यहाँ टेप लगा लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि मोटर चल रही है। वैसे भी दिखाई देगी लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेप लगा रहेगा इसके शाफ्ट रोटर पर। तो अब हम चला करके देखते हैं, यहाँ पर करंट देना है। अब करंट कहाँ देना है, एक हरे वाले पर और एक लाल वाले पर। देखिए मोटर चल रही है, मोटर से बहुत सारी खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। मोटर तुरंत स्पीड नहीं बना रही, पहले घूम घूम करती है। नज़दीक से थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए घूम घूम की आवाज़ करती है, फंस जाती है। अब वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मोटर इस तरह से दिक्कत कर रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इस मोटर में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है, कितने कौन कौन सी दिक्कत हो सकती हैं और इस मोटर में क्या दिक्कत है। अंत तक वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मोटर कैसे ओपन करना है ये भी आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। ये देखिए अब हमने चेकिंग कर लिया, मोटर खड़खड़ खड़ की आवाज़ कर रही है, जाम चल रही है। अभी तो फ्री है, जब इसमें पंखी सेट कर देंगे, बोरवेल में डाल देंगे तो मोटर पर लोड पड़ेगा तो वैसे भी जाम हो जाएगी। अब इसके जो ऊपर बोल्ट 13 नंबर के 4 लगे हैं उसको खोल लेते हैं। आप इस वीडियो को देख करके मोटर को खोलना भी सीख सकते हैं, वाइंडिंग टेस्ट सीख लिए, मोटर को चलाना कैसे डायरेक्ट ये भी सीख लिए। अब देखिए अब इसको ऐसे लेटा लेते हैं, आगे साइड के जो ऊपर साइड के 4 बोल्ट हैं वो खुल गए हैं। अब हम थोड़ी से इसके नीचे के कटोरे को ऐसे चोट मारेंगे, खुल जाएगा। देखिए बड़े ही आसानी से खुल जाता है, मोटर को खोलने में रिपेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। देखिए इसको खोल लिए, यहाँ पर देखिए इसकी जो कार्बन बैरिंग है, कार्बन प्लेट थ्रस्ट प्लेट, यह निकल गई है। इसमें देखिए नट बोल्ट अलग हो गया है, इसी की वजह से इतनी आवाज़ कर रही थी, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ कर रही थी और जाम भी चल रही थी। ये देखिए यहाँ पर थ्रस्ट प्लेट लगी हुई है, देखिए बाहर निकल गई है। ऐसा नहीं होता है, यह शाफ्ट के साथ में लगी होती है फिक्स। ये देखिए बेस प्लेट है, ये बिल्कुल ओके है। जो इसके शाफ्ट में कार्बन प्लेट लगी होती वो निकल करके इस कटोरे में आ गई थी, इसी वजह से इतना आवाज़ कर रही थी और जाम चल रही थी। अब इसके ऊपर साइड का जो शाफ्ट है जहाँ पर बूस होता है उसमें हल्का चाल है, हल्का चाल है तो बूस कटा होगा। अब इसको और ओपन करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन अभी तक जो समस्या समझ में आई है जिस वजह से मोटर इतनी प्रॉब्लम कर रही थी, आवाज़ कर रही थी खड़खड़ खड़खड़ की, उसकी वजह यही थी, कार्बन प्लेट अलग हो गई थी शाफ्ट से, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब एलंकी लेते हैं 5 नंबर की, यहाँ पर एलंकी बोल्ट 4 लगे हुए हैं, उसको फटाफट से ओपन कर लेते हैं। देखिए फटाफट से 4 बोल्ट लगे हुए हैं, ओपन कर लेते हैं। यदि मोटर इस तरह से आवाज़ कर रही है, खड़खड़ खड़ की आवाज़ कर रही है और जाम चल रही है, तो इसमें 3 कारण हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
यदि कोई भी मोटर जाम चल रही है खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ कर रही, तो उसमें पहला कारण होता है बूस्ट कटा हो सकता है। दूसरा कारण यही है जो आपके सामने दिखाई दिया, कार्बन प्लेट इसकी निकल गई होगी। और एक कारण हो सकता है कभी कभार जैसे पानी नहीं होता है ना, इसमें पानी पूरा निकल जाता है, सूखी रहती है, इस कारण की वजह से भी मोटर आवाज़ कर सकती है, जाम चल सकती है। इसकी ऊपर वाली हाउसिंग को खोल लिए हैं, अब यहाँ पर देखिए अभी खुला नहीं है, अच्छे से शाफ्ट को निकालने के लिए इसका जो ऊपर वाला कवर है जिसमें बूस्ट लगा होता है हाउसिंग, उसको अभी ठोक ठोक करके खोलना पड़ेगा। ये देखिए नीचे और ऊपर, ऊपर का भी कवर खुल गया है, नीचे का भी कवर खुल गया है। इस साइड में इस तरह से हथौड़ी से चोट मार करके घुमा घुमा करके इसको खोल लेना है। देखिए ये कवर भी खुल रहा है, देखिए खींच लेते हैं इसको इस साइड से। इसी के अंदर बाइंडिंग हुई रहती है दोस्तों, यह समरसीबल का स्टेटर है, मेन मोटर है, यहीं पर बाइंडिंग की जाती है। बाइंडिंग करने की वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करिए, डाल देंगे। वैसे भी हमारे चैनल पर बाइंडिंग की वीडियो पड़ी हुई है। ये देखिए ऊपर की हाउसिंग खुल गई, इसी में बूस लगा होता है, इसमें डबल बूस लगा हुआ है, इसका बूस भी कटा है क्योंकि ऊपर से जो शाफ्ट हिलाते हैं ना अगल बगल, तो हल्का चाल समझ में आती है, बूस कटा है। देखिए अब नीचे साइड के अब खोल लेंगे, इसके बाद जुगाड़ समझ में आएगा। अब शाफ्ट को थोड़ा सा पीछे साइड में धक्का दे देंगे तो ये भी खुल जाएगा क्योंकि इसके बोल्ट खुल गए हैं, जो लैंकी बोल्ट 5 नंबर के थे। देखिए यह नीचे की हाउसिंग है, इसमें भी बूस लगा हुआ है, जैसा कि ऊपर 2 बूस लगे हुए हैं। अब इसकी बूसिंग की चेकिंग कर लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको बहुत सारे फायदे समझ में आएंगे। एक फ़ायदा वाइंडिंग टेस्ट सीख लिए, दूसरा फ़ायदा मोटर को चलाना सीख लिए, तीसरा फ़ायदा इस तरह से मोटर आवाज़ कर रही है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। ये देखिए यदि इसका बूस ज़्यादा कटा रहता है ना, तो इसका शाफ्ट किनारे पर टच किया रहता है, निशान बने रहते हैं। और फायदे देखिए, 2-3 फायदे गिना दिए। अब इसमें देखिए बूस को किस तरह से चेक करना है, देखिए यहाँ पर बूस लगा होता है, इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे इसके शाफ्ट में डालना है इस तरह से, और इसमें चाल नहीं समझ में आनी चाहिए, चाल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से इसको चेक करते हैं, ऐसे चाल नहीं होनी चाहिए। नीचे साइड का बूस बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर साइड के बूस में हल्का चाल है, नया बूसिंग हम नहीं करेंगे, इसी को बूस को ध्यान सावधानी पूर्वक निकालेंगे, यानी कि जो ऊपर वाला बूस है उसको नीचे करेंगे और नीचे वाले बूस को ऊपर कर देंगे। देखिए इसी को केवल चेंज करेंगे, 2 बूस हैं, दोनों बूसों को चेंज कर देंगे, थोड़ा सा दब जाएगा, काम होने लगेगा, इसी जुगाड़ से इसको ठीक करेंगे। वैसे ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा चाल नहीं है, नहीं तो नया बूस डालना पड़ता है, इसको जुगाड़ से निकालेंगे और ऊपर नीचे इसी बूस को कर देंगे, थोड़ा सा नीचे दब जाएगा और काम होने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, बूस अभी ख़राब इतना ज़्यादा नहीं है। बस इसमें दिक्कत यही थी, कार्बन प्लेट जो है ना निकल गई थी, इसका लाक वगैरह सब अलग हो गया था। इसी को अब इसी तरह से फिट कर लेते हैं, इसका नट बोल्ट लगा करके अच्छे से टाइट कर देते हैं। ये देखिए अभी इसको देख रहे हैं, बाकी जो इसकी हाउसिंग है नीचे वाली उसको लगा लेंगे, तब कार्बन प्लेट लगाएंगे, इसको निकाल लेते हैं, उसको लगा लेते हैं, इसके बाद फाइनल पूरा रहेगा, ताकि इसके उसको लगा करके टाइट कर दें। देखिए अब इसको लगा लेंगे इस तरह से, और इधर से एक एलेंकी बोल्ट इसमें लगा होता है, किसी किसी में लॉक होता है, किसी में एलेंकी बोल्ट होता है, इसमें एलेंकी बोल्ट है, खुल जाने की वजह से कार्बन प्लेट बाहर निकल गई थी, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ कर रही थी, जाम चल रही थी। यह मोटर सिंगल फेस की है, डबल फेस में चला रहे थे फिर भी नहीं चल रही थी, पूरी जाम हो गई थी क्योंकि कार्बन प्लेट निकल करके अलग हो गई थी। अब इसको अच्छे से टाइट करेंगे, पुनः से फिटिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर काम करने लगेगी ये मोटर। इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे, जैसे फिटिंग कर लेंगे ना, फिटिंग करने के बाद भी थोड़ा सा इसको आपको दिखाएंगे, ताकि आपके समझ में आ जाए कि दिक्कत यहीं से थी। इस तरह से किसी की मोटर में दिक्कत होती है कि मोटर जाम हो जाती है, मोटर खड़खड़ खड़ की आवाज़ करती है, तो एक कारण तो आप देख ही लिए यहीं पर कि इसकी कार्बन प्लेट की वजह से भी ऐसी दिक्कत हो सकती है, और बूस कट जाने की वजह से, ऊपर साइड का बूस ख़राब है या फिर नीचे साइड के, या फिर दोनों बूस ख़राब हैं, इस वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। अब मोटर की फिटिंग कर लिए हैं, मोटर में पानी डालते हैं,
नट को अच्छे से टाइट करेंगे, इसके बाद चलाने का इसका कनेक्शन कर लिए हैं, अब मोटर को चला रहे हैं। देखिए मोटर बिल्कुल ओके चल रही है, वही मोटर है, कोई दूसरी मोटर नहीं है। इस तरह से आप आशा करते हैं कि वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।